अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज उर्दू जमात दहूं जमात में नया एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारे गज़ल का नाम है गज़ल नंबर 5। इसके शायर है मोइन हसन जज़वी। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं, गज़ल नंबर 5 जिसके शायर मोइन हसन जज़वी। सबसे पहले हम पहली बात पर नज़र डालेंगे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ हमें राहतें खुशियाँ मैसर होती, वहीं दुखों और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अपना गम किसी को सुनाते दिल का बोझ उतर जाता है। गज़लों में गम जाने यानी मोहब्बत से के गम बयान किए जाते हैं, वहीं गम दूरा भी यानी ज़माने की मुश्किलात का भी बयान मिलता है। शायर अपने दुखों का इजहार इस तरह करता है कि हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते। जज़्बी का गज़ल इस गज़ल अंदाज़ की नुमाइंदगी करती जज़्बी की गज़ल इस अंदाज़ की नुमाइंदगी करती है। अभी यहाँ पर आप देखते हो कि आजकल की जो हमारी हम जो 2024 में जी रहे हैं, आज की जो हमारी जो ज़िंदगी रोज़मर्रा का जो माहौल है काफ़ी इतना मजबूल हो गया, जैसे चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा जवान हो, कोई भी हो, हर किसी के इंसान में खुशियाँ भी आती है और परेशानियाँ भी आती है। लेकिन हम ये ज़िंदगी का मतलब एक बोलते हैं ना, एक हमारा एक सफ़र है जो चलता रहता है। कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी आता, बुरा भी वक्त आता, हमें सब कुछ ले एक के बैलेंस में करके चलना होता है हर इंसान की लाइफ में। तो यहाँ पे जो शायर है वो ही कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी गज़ल में बताया कि मैं अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत करता हूँ, मतलब उन्होंने अपने ज़माने के हालात बताए इस गज़ल में। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान मोइन हसन जज़्बी 1912 में मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने झांसी, लखनऊ, आगरा, दिल्ली में तालीम हासिल की। एमए पास करने के बाद मुलाजमत की गर्ज़ से मुख्तलिफ शहरों में क़याम किया। जैसे हमारे जो शायर है मोइन हसन जज़्बी 1912 में ज़िलागढ़ में पैदा हुए, मतलब से उन्होंने तालीम हासिल की लखनऊ में, आगरा में, दिल्ली में, फिर उन्होंने एमए पास की, फिर बाद में उन्होंने नौकरी करना शुरू की। फिर शोबे उर्दू के हैसियत से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। जैसे वो शोबे से वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। मोइन हसन जज़्बी को बचपन ही से शायरी का शौक़ था, जैसे उन्हें बचपन ही से शायरी लिखने का शौक़ था। परोजा, सकने, मुदस्सर, अगजादे, शब उनके शायरी मजमू थे। उन्हें इकबाल सम्मान गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया। उन्हें कहाँ से अवार्ड से दिया गया। जज़्बी तरक्की पसंद दूर के अहम शायरा में शुमार किए जाते हैं। उनकी शायरी का खास सब उनके लहजे का धीमापन हजने अमर बनाए थे। 2005 में अलीगढ़ में उनका इंतकाल हो गया। जैसे 2005 में उनका इंतकाल हो गया, जैसे उन्होंने तरह तरह की गज़लें शायरी लिखना शुरू किया। आइए हम उनकी गज़ल की शुरुआत करते हैं। ऐसे क्यों हुए हो ऐसे क्यों हुए क्यों ऐसे क्यों खुश हुए ऐसे क्यों खुश हुए क्यों गम से घबराए किए ज़िंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। यहाँ पे शायर पहली लाइन में कहना चाहता है, जब हम दुनिया की ज़िंदगी में जीते हैं, हम रहते हैं ना, बहुत से जो अमीर लोग रहते हैं एकदम ही ऐशो आराम में जीते हैं, उनके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ रहता है, हर तरह की रहाइशें जब मुहैया होती है। लेकिन जब इंसान की ज़िंदगी में कभी ऐसा गम का माहौल आता तो इंसान किस कदर, जब इंसान की ज़िंदगी में अच्छा माहौल चलते रहता, सब कुछ अच्छा रहता, तो वो मतलब इस कदर खुश रहता है कि ऐसा लगता है कि उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई है, सारी खुशियाँ मिल गई है। लेकिन जब अल्लाह ताला बंदे को आज़माता है, बंदे की ज़िंदगी में आजमाइशें लाता है, मुसीबतें लाता है, तो इंसान क्या घबरा जाता है, अल्लाह से एकदम मायूस हो जाता है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में क्या आ गया। हम रहते हैं ना, जब हमारे ज़िंदगी में अच्छे हालात चल रहे थे तो हम अल्लाह का भी शुक्र करते, कभी कभी हम बहुत से ऐसे रहते कि अल्लाह को भूल जाते, नमाज़ कुरान भूल जाते। लेकिन कुछ ऐसे भी बंदे रहते हैं जब इंसान की ज़िंदगी में बुरे हालात आते, जैसे हमारा कुछ नुकसान हो गया, हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा है, हम बीमार भी मुबतला हो गए, या हमारे साथ कुछ और बुरा कुछ हो गया कि हम बहुत काफ़ी परेशान चल रहे, हमारी जॉब मुलाजमत चली गई और कुछ परेशानी में मुबतला हो गए, और ऐसा कुछ नुकसान हो गया जिससे हम इतने गम हो जाते कि हम अल्लाह ताला से शिकवा करने लगते हैं, हाय अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया। उस वक्त हम ऐसा समझते कि अल्लाह ने हमारे साथ बुरा हो गया हमारे साथ। लेकिन ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी का हमारा यही है, हमारी जो जर्नी है यही है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। ज़िंदगी में कभी दुख और खुश और गम चलते रहता है। ना खुदा बेखुद फजा खामोश, ताकत मौजे आप, हम साहिल से थोड़ी दूर पर डूबा किए। अभी यहाँ पे ना खुदा, अभी यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम ऐसा रहते हैं ना, कभी कभी हम वैसे रहते हैं ना परेशानी में, इस कदर मतलब इतने संजीदा हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हाय अल्लाह हमारे साथ क्या हो गया। हम अपने खुदा को ही अब खुशी के माहौल में इस कदर डूब जाते हैं कि हम अपने खुदा को ही भूल जाते हैं। वो हवाएं, वो घटाई, वो फजा, उसकी याद, हम भी मिसराब इनमें से साजे दिल छेड़ा की। हम अच्छे वक्त को याद करते कि क्या दिन थे, क्या वो हवाएं चल रही थी, क्या घटाएं चल रही थी या क्या फजा चल रही थी, उस दिन को हमें भूला नहीं जा रहा। कभी कभी अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला हमें सजा देता है। बच्चों, अल्लाह ताला
बड़े से बड़े पैगंबरों को आजमाया है, तो हमें भी मुसीबत के वक्त सब्र और नमाज से मदद हासिल करनी चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी आप अल्लाह ताला से कोई चीज़ें मांग रहे हो, अल्लाह अगर आपकी दुआ कबूल हो गई तो आप अल्लाह का शुक्र करो, लेकिन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है आपकी दुआ कबूल नहीं होती, आप अल्लाह से नाराज़ होते हो। नहीं, वो भी आपके लिए बेहतरी होती, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हमें आजमाता है हमें, और उसकी आजमाइश पे हमें वो खड़े उतरा रहना है कि हमें उससे मायूस नहीं होना है। मुख्तसर ये हमारी दास्तान ज़िंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा की है। कभी कभी हम ज़िंदगी के भाग दौड़ में इस कदर मशगूल हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमें पर हमें हमें सुकून मिल जाए, हमें चैन मिल जाए, किस कदर हम भाग रहे हैं, हम जैसे पैसे कमाने के चक्कर में भागते रहते, कैसे हमारे बच्चों की फ़ीस भरी जाएगी, हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, किस तरह हमारा ज़िंदगी का चलेगा, हमारे घर में कैसे घर चलेगा, कैसे राशन आएगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा, हम इस कदर आ जाता कि हम ऐसी जगह की तलाश करते कि हमें सुकून मिल जाए। तो अल्लाह ताला हमें भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला हमें सब्र और सुकून दे। काट दी यूं ही हमने जज्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गाम पर, हर गाम पे संभाल किए। अभी यहाँ पे शायर ये लाइन में ये कह रहा है कि लगता है कि हमारी हिम्मतें पूरी कट गई, जब हमारे साथ ऐसे कुछ ऐसे वाक़े हो जाते हैं ना कि हमारा कोई कारोबार नुकसान हो गया, या हम कुछ बीमारी हो गई, या कुछ और कुछ बड़ा हो गया, हादसा आ गया, कुछ ऐसा हो जाता है ना कि हम ऐसा लगता है कि हमारी हमारे पूरे हाथ पाँव क्या हो गए, कट चुके, हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है ख़त्म हो गई है, हमारे संभालने वाला कोई नहीं रहा। तो उस वक्त हमें अल्लाह को पुकारना चाहिए कि अल्लाह ताला हर बंदे के साथ अच्छा करता है, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो अल्लाह ताला नेकी का बदला ज़रूर देगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला आपको आपकी दुआ को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हर अल्लाह ताला बड़े से बड़े आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हर बंदे को आजमाया, हर पैगंबर को आजमाया, और हमें उसकी आजमाइश पे सब्र और मदद से नमाज से मदद हासिल करनी चाहिए। हमें अल्लाह की फैसलों से हमें नाराज़गी नहीं करनी चाहिए, कि अल्लाह ताला अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, 70 माह का दिल रखता है, वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा। ना खुदा मल्ला रहनुमा, साकित बेहरकत खामोश, मुजरा वलम दुख को उभारने वाला गाम कदम, कि ऐसा लगता है ना हमें हर कदम नुकसान। यहाँ पे शायर ने जो है शायर ने अपनी ज़िंदगी के पूरे हालात को बयान किया कि हम ज़िंदगी में इस कदर खुश रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में जब सिलसिला शुरू होता है जीने का, तो हमारे पास जब ऐशो आराम वाला माहौल चला था उस वक्त हम बहुत खुश रहते, लेकिन जब हमारे पास गम का माहौल आता है, हमारे पास कुछ कारोबार नुकसान हो गया या कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया या हम बीमारी मुबतला हो गए, तो उस वक्त हम अल्लाह से शिकायत करने लगते, हाय अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया, हाय अल्लाह मेरे साथ क्या हो गया, हम किस कदर सुकून से ज़िंदगी जी रहे थे लेकिन ये क्या होना था, हाय अल्लाह हमारे साथ क्या हुआ। तो यहाँ पे ये शायद ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो दुनियाई ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इस कदर हम अपनी भागम दौड़ की ज़िंदगी में हम सकून कहाँ से हासिल करें। तो हमें जिस कदर देखो, हर कोई चाहता है मैं अमीर बनूँ, ज़्यादा पैसे कमाऊँ, लेकिन हमें अल्लाह ताला जितना भी रोज़ी देता है हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, मुसीबत के वक्त सब्र करना चाहिए, और अल्लाह ताला नेमतें देते उस वक्त शुक्र करना चाहिए, हमें परवरदिगार आलम अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को गज़ल बेहद पसंद।